हो जगा जमया ते मिलन वदाइया जगा जमया पालने का शौक था और एक सामने का घर था, वो था बलाकी नाई का। उसकी खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम बिल्लो था, वो उसके साथ इश्क करता था। और बड़ा मशहूर बोल है, जे मैं जान दी जगे ने साग खाना, जे मैं जान दी जगे ने साग खाना, ते गंदला मैं आप तोड़ दी जगया परदेस गयो हो बुआ बचिया। इसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, हंसना खेलना था। एक नया लॉर्ड आया, उसने लैलपुर से फौज साथ ली, अमृतसर पे उसने हमला किया, कई लोगों के घर जला दिए, कई लोगों को मारा। तो ये जगह फ्रीडम फाइटर की सूरत में सामने आया। ये कबड्डी का मैच खेलता था, वो जग जट दा जांगिया, जांगिया जट दा जांगिया, पटदा जग जट दा जांगिया, पटदा किली नाल टंगया रिया जगया मिली। उसे इस तरह ये काम हो गया, वो दूसरे गांव खेलने के लिए गया था। उसने वहीं पे अपना जांगिया छोड़ा और घोड़ी ली, तो वापसी का रुख किया। तारीख बताती है कि उसने धमकी दी, उसने कहा है लॉर्ड तो जा जाके अपने लैलपुर में जितने मर्जी पहरे सख्त कर ले, मैं तेरे घर आऊंगा और तेरी जो रानियां है ना इनके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा। तो लॉर्ड ने क्या किया कि जितने ये पक्के पुल थे ना उनके ऊपर पहरा लगा दिया। एक ही रास्ता था अमृतसर का और लैलपुर का, फैसलाबाद के सेंटर का, वहां पे कच्चा पुल था। जग्गे ने अपने 12 साथियों को पानी में उतारा, उनको आरिये दी और कहा कि जब मैं वापिस आऊं, जिस जिस मैं बली से गुजरता जाऊं वो बली पीछे से गिरती जाए। और तारीख बताती है कि इसी तरह हुआ। जग्गे मारे आ लैलपुर डाका, जग्गे मारे आ लैलपुर डाका, जग्गे मारे आ लैलपुर डाका, ते तारा खड़क गया जग्गिया परदेश गयो हो बुआ बचिया। जग्गे ने लैलपुर पे चढ़ाई कर दी और जा घुसा मेन हाउस पे जो अंग्रेजों का हाउस था, और घुसकर वही किया जवान ने जो कहा था, सबको बांध लिया। और जो उसके साथ कबड्डर उसके साथी थे वो उसके बाजू बन गए। तीन टीमें जो कबड्डी की थी उस वक्त जवानों की, वो इसके साथ थी।
एक पानी में रह गई। दो टीमें साथ लेके ये लैलपुर इन हुआ, डाका मारा सब घर से उसकी सामान उठाए और कहा कि तू जग्गे दे सिर ते इनाम रखिया सी ना, ले हुण इनाम रख ते दसी लोकां नूं मैं तेरे घरों की लै गया। और जग्गे ने जदों वापसी कीती फौज पिछे लगी ओ कच्चे पुल ते, पुल ते लड़ाइया होइया ते छवियां दे किल टुट गए। जगिया जगिया वे टुर परदेस गयो ओ भुवा बजिया, जगे जट ने ए मारका मारिया ते वापस अमृतसर पहुंच गया। कोई उन्हें फर ना सकिया क्योंकि जवान ने जानते ही दाढ़ी बना दी। अपनी जड़ी शनाख्त सी ना उदी जगत सिंह जगे दी ओ मिटा दित्ती क्योंकि बिल्लो ने आख्या कि दाढ़ी बना दे। लेकिन सियाने आखदे ने कि औरत दी जड़ी मत है ना ओ बस है ना पंजाब है ना ते ओ बस बिल्लो जड़ा ना गल दे विच आ गई अंग्रेजा दी। ओदा मामा विक गया, जगे नू फड ना सके लेकिन बोर्ड दी छावें जगा बिल्लो नू मिलन आंदा सी ते ओदा मामा बलाकी उत्थे ओदी शेव करदा सी। एक दिन जगे दी शेव करन लगा ते आखिया कि पुत्र जगिया सुनिया तू फौज दे काबू नहीं आंदा। आखिया जगे नू कोई काबू नहीं कर सकता। आखिया लै फिर अज आया प्या। उस बलाकी ने ओदी धौन ते उसे उस्तरे नाल वार कर दिता। जगे ने अपना सिर फड़ लिया, बलाकी नूं भी मार दिता, बिल्लो नूं भी मार दिता। फौजां चढ़ गईयां ते तारीख ने लिखिया ओ जग्गा मारिया ओ परदेस गयो हुआ भजिया। ते जगे दी मां नूं पता लगा कि मेरा पुत्र अंग्रेजा ने मार दिता है ते मरवा दिता है बिल्लो दे मामे कोलों ते फौज ओदे आले दुआले घेरा पा के बैठी है लेकिन जग्गा खलोता है ओदी रत पई वगदी है कोई फौजी ओदे कोले नहीं जा रहा। ते जग्गे दी मां कहंदी ओ जे मैं जानदी जग्गे ने मर जाना एक दी थां दो जमदी ओ एक दी थां दो जमदी जग्गिया।